Assalamu alaikum. My name is Professor Mahmood Kiani. I am a principal of City Law College. आज हम इसकी अहमियत और अफादियत बयान करेंगे जो हम ये लेक्चर ऑनलाइन की रिकॉर्डिंग करा रहे हैं हुकूमत पाकिस्तान के SOPs के मद्देनज़र रखते हुए HSC और यूनिवर्सिटी की हिदायत पर अमल करते हुए LLB साल अव्वल ता स्वयं के तमाम मजामीन के लेक्चर ऑनलाइन कर दिए गए हैं ताकि तलबा इससे इस्तेफादा कर सकें और अपनी तालीमी ज़रूरियात पूरी कर सकें। आज मैं आपको कॉन्स्टिट्यूशन लॉ 2 सेकेंड ईयर का उसकी कॉन्स्टिट्यूशनल हिस्ट्री पब्लिक डेवलपमेंट पढ़ेंगे जिसमें कॉन्स्टिट्यूशन के तारीखी व आइनी इर्तिका से आगाज़ करेंगे। जनूबी एशिया में मुसलमानों ने 750 साल तक हुकूमत की इक्तदार ख़ानदानों में बदलता रहा लेकिन मुसलमानों की हुकूमत रही। 750 साल बाद मुसलमान इस्लाम से दूर हो गए और उनकी नाकबत अंदेशी की वजह से असलाफ के बताए हुए तरीकों पर ना चलने की वजह से उनसे इक्तदार छिन गया और जंग आज़ादी की सूरत में मुसलमानों का दायरा हयात तंग कर दिया गया। फिका तफसीर और हदीस पर पाबंदी आयद कर दी गई और लॉर्ड मकाले ने जो हिंदुस्तान में तालीमी पॉलिसी वज़े की उसके मुताबिक मुसलमान ज़हनी तौर पर ईसाई बन जाएंगे और बाज़ाहिर वो मुसलमान नज़र आएंगे। इस तालीमी पॉलिसी के बाद बिलाखिर कदरे ताखीर से 1909 में पहली बार आइनी इस्लाहात हुई। 1909 की कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म्स में मुसलमानों को मनासियत कौम तस्लीम कर दिया गया और मुसलमानों के लिए जुदागाना तरीक़ा नियाबत भी तस्लीम किया गया और मुसलमानों के मुतालबात को भी कबूल कर दिया गया। इसके बाद 1919 में दूसरी बार आइनी इस्लाहात हुई और ये आइनी इस्लाहात दरअसल हिंदुस्तान की तारीख का पहला मार्शल लॉ थी जिनमें मुसलमानों को और अहले हिंदुस्तान को तहरीर और तकरीर की पाबंदी लगा दी गई और इन इस्लाहात की वजह से सानियाए जलियांवाला बाग रोनमा हुआ। जलियांवाला बाग अमृतसर के एन वस्त में था और इन आइनी इस्लाहात के खिलाफ अहले हिंदुस्तान और मुसलमानों ने एहतजाज किया और उन पर मुजाहिरीन पर ब्रिगेडियर दायर ने बगैर किसी वार्निंग के गोलियां चला दी। मशीन गन की गोलियों से बेशुमार लोग मारे गए, ना अली ख़ानदान का कोई फ़र्द बच सका और ना किसी को छुटकारा नसीब हुआ। ये इन इस्लाहात के बाद हिंदुस्तान में अंग्रेज़ों के कदम उखड़ गए और फिर ये इस्लाहात नाकाम इन इस्लाहात को नाकामी का सामना करना पड़ा और इसके बाद वज़ीरे हिंद लॉर्ड बर्कनहेड ने अहले हिंदुस्तान को ये चैलेंज किया कि अहले हिंदुस्तान अगर चाहते हैं कि हिंदुस्तान में आइनी इस्लाहात हों तो वो अपनी तरफ से कोई आइनी फार्मूला बना कर लाएं। कांग्रेस ने इसे मौका की गनीमत समझा और एक दस्तूरी कमेटी मोतीलाल
की सरबराई में बनाई गई और इस कमेटी ने जो सिफारिशात पेश की वो मुस्लिम मफादात पर कारी जर्ब थी। इसके बाद कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने एक आइनी फार्मूला पेश किया 14 पॉइंट की सूरत में, जिन्हें अंग्रेज़ों ने काबिल अमल और काबिल क्यास और नेहरू रिपोर्ट से बेहतर करार दिया। डॉक्टर अलमा इकबाल ने मुसलमानों के लिए इस्लामी रियासत का नज़रिया और आईने पाकिस्तान का तसव्वुर पेश करते हुए फरमाया कि हमारे पास दुनिया का बेहतरीन निज़ाम हयात है जो हमें दीगर अकवाम पर मुमताज़ करता है। हमें इसलिए पैदा किया गया है कि हम दूसरे लोगों की क़ियादत और रहनुमाई करें, ना कि दूसरों की तकलीद करें। उन्होंने फरमाया कि हिंदुस्तान की गुरबत का वाहिद हल इस्लामी निज़ाम मेशियत है, जिससे कम अज़ कम हर शख्स का हक़ माश और हक़ रोज़गार महफूज हो जाएगा और कोई शख्स भी भूख और अफलास से नहीं मरेगा। ये उसी वक्त मुमकिन है जब मुसलमानों की हुकूमत हो। उन्होंने मज़ीद फरमाया कि मुस्लिम अक्सरियत पर मुश्तमिल मुसलमानों के लिए एक अलहदा इस्लामी रियासत कायम कर दी जाए। कदरे ताखीर से ১৯৩৫ में अंग्रेज़ों ने इंडियन एक्ट नाफिज किया। इस इंडियन एक्ट में एक मरकजी निज़ाम मुतारिफ कराया गया जिसमें दिफा, खजाना, खारजा, मुवासलात मरकज़ के पास थे और बाकी इख्तियारात सूबों को दे दिए गए। इन इस्लाहात इन कवानीन के तहत मुसलमानों को मराहत भी दी गई, उनके हक़ को भी तस्लीम किया गया। इब्तिदा में मुस्लिम लीग ने मुसलमानों ने इब्तिदा में इन कॉन्स्टिट्यूशन एक्ट को तस्लीम नहीं किया, लेकिन बाद में उन्होंने इसे कबूल कर लिया। इन इस्लाहात इस इंडियन एक्ट 1935 के तहत सूबों को खुद मुख्तारी दे दी गई और सिंध को बम्बई से अलहदा कर दिया गया। ये मुसलमानों का देरीना मुतालबा था। सिंध की अलहदगी के बाद सिंध को मुकम्मल सूबाई दर्जा दिया गया और सिंध में आइनी इस्लाहात की गई और दीगर सूबों में भी आइनी इस्लाहात कर दी गई। एक्ट 1935 के मुताबिक सूबाई मुकम्मल सूबाई खुद मुख्तारी दे दी गई। इसके बाद 1936 में इंतखाबात हुए जिनमें मुस्लिम लीग और कांग्रेस दोनों ने हिस्सा लिया। मुस्लिम अक्सरियत वाले जगहों से मुस्लिम लीग ने नशस्तें जीती, लेकिन कांग्रेस ने हुकूमत साजी में मुस्लिम लीग को मुसलमानों को शामिल नहीं किया और बिला शिरकत गैर हुकूमत कायम की। कांग्रेसी वजारतों ने मुस्लिम दुश्मनी रवैया इख्तियार किया, जिसकी वाज मिसाल जो है वो जगदियो पटेल के मुकदमे में है। जगदियो पटेल एक मुतासिब हिंदू था जिसने मस्जिद पर हमला करके मुसलमान नमाजियों को जख्मी कर दिया। मुसलमानों ने रद्द अमल के तौर पर उसे दबोचा, जिससे उसकी मौत वाक़ हो गई। अदालत ने 46 अफराद को इस मुकदमे में सजाए मौत सुनाई। मुसलमानों ने अपनी रिहाई के लिए हाई कोर्ट में अपील दायर की और अंग्रेज जज ने
मुसलमानों को रिहा करते हुए अपने फैसले में लिखा कि हम ये देख रहे हैं कि इस कत्ल के मुकदमे में 46 अफराज माखूज हैं, रिक्वायर्ड हैं, और गवाह पर गवाह झूठी सिखाई और पढ़ाई हुई गवाहियां देने को चले आ रहे हैं। इससे बढ़कर इखलाकी पस्ती क्या होगी कि अपने दुश्मन की जान लेने के लिए, उसको फांसी के फंदे पर लटकाने के लिए मासूम बच्चों से भी झूठी कस्में दिलवाई जाएं। तो जज ने, अंग्रेज जज ने तमाम मुसलमानों को रिहा कर दिया। इसके बाद 1939 में कांग्रेसी वजारतों का 2 साल बाद खात्मा हुआ और मुस्लिम लीग ने नौवें योम निजात बनाया। 1940 में मुसलमानों ने नज़रिया और आयने पाकिस्तान, तसव्वुर पाकिस्तान डॉक्टर इकबाल की नज़रिए की तौसीख कर दी। बिलाखिर 3 जून के मंसूबे के मुताबिक 14 अगस्त 1947 को पाकिस्तान मार्ज वजूद में आया। पाकिस्तान के पास कोई दस्तूर नहीं था, होना तो ये चाहिए था कि जिस नज़रिए के तहत ममलकत हासिल की गई, क्योंकि ये तहरीक आज़ादी 100 साल तक इस्लामी रियासत के क़याम के लिए चलाई गई थी। तहरीक और नज़रिया दो अलग अलग चीज़ें हैं। तहरीक किसी चीज़ की कामयाबी हासिल करने के लिए, तकमील के लिए जदोजहद को तहरीक कहते हैं, और तहरीक जो है वो टेम्परेरी फैक्टर है। लेकिन आइडियोलॉजी, नज़रिया एक मुकम्मल फैक्टर है कि जो मुकदम है और जिसे जो अहमियत का हामिल है। बरसगीर के मुसलमानों ने इस्लाम के नाम पर यह ममलकत हासिल की और यही नज़रिया मुकदम था। होना तो ये चाहिए था कि दस्तूर अजीम, खुतबा हजतुल विदा, खुलफाए राशिदीन और हज़रत उमर के पॉलिटिकल सिस्टम, गवर्नमेंटल पॉलिटिकल सिस्टम को नाफिज कर दिया जाता, लेकिन साहिब इक़्तदार ने भारत से इंडियन एक्ट 1935 मुस्तहार लेकर, उदार लेकर नाफिज कर दिया। इन असलाहत में मामूली तरमीम की गई और फिर उसके बाद ये एक्ट नाफिज हो गया। 47 से 1949 तक जब इस्लामी आइन नहीं दिया गया तो अवाम ने एहतजाज किया, तो उस वक्त के वज़ीर आज़म ने असम्बली में एक तहरीक, एक करारदाद पेश की जिसे मंजूर कर दिया गया। उसे करारदाद मकासिद, ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन कहते हैं। करारदाद मकासिद 1949 हमारी दस्तूरी तारीख में संग मील की हैसियत रखती है, बुनियाद फराहम करती है और इस्लामी नज़रिया हयात और नज़रिया पाकिस्तान की असास है। इस करारदाद में ये तस्लीम किया गया है कि चूंकि तमाम कायनात पर हाकमियत अल्लाह ताला को हासिल है और लोगों के पास जो इख्तियारात होंगे वो उन्हें मुकद्दस अमानत के तौर पर बुरुए कार लाएंगे। इस्लामी कवानीन के नफाज की बात की गई। इस करारदाद की मंजूरी के बाद अकलियत ने इसके खिलाफ एहतजाज शुरू किया, तो उस वक्त के वज़ीर आज़म ने इस करारदाद को वापस लेकर हुसैन शहीद सुहरावर्दी की क़यादत में बुनियादी उसूलों की कमेटी बनाई। बेसिक प्रिंसिपल्स कमेटी के नायब सदर लियाकत अली खान थे। इस कमेटी ने
जो सिफारिशात पेश की वो इस हद तक करारदाद मकासद की अकासी नहीं करती थी जो मंजूर हो चुकी थी, लिहाजा इसको दोबारा बुनियादी उसूलों की कमेटी को 1950 में जायजा लेने को कहा गया, लेकिन ये नाकाम हो गई। इसमें जो बात की गई थी उसमें सदर ममलकत का मुसलमान होने की पाबंदी नहीं थी, इसमें सेकुलर सिस्टम की बात की गई थी, इसमें अकलियतों को और गैर मुस्लिमों को आला ओहदों पर फायज करने की भी बात की गई थी। उसके बाद मोहम्मद अली बोगरा ने बोगरा फार्मूला पेश किया, जिसके तहत नए इंतखाबात कराने की बात की गई, जिसमें दो अवानी मुकर्रना जमहूरियत अदल व इंसाफ और तमाम मसावात की बात की गई, तमाम तबकात की बात की गई थी। लेकिन उसके बाद जो एक दस्तूरी बहरान पैदा हो गया, नज़रियाती कश्मकश शुरू हो गई, आइनी कश्मकश शुरू हो गई और ये बहस चल पड़ी कि आइन होना भी चाहिए या नहीं होना चाहिए, हो तो किस तर्ज का हो। एक बहस के बाद, एक बहरान के बाद, एक तवील कश्मकश के बाद बिला आखिर 1956 में पाकिस्तान का पहला आइन बना। यह आइन पार्लियामानी तर्ज का था और इस आइन में करारदाद मकासिद को इब्तिदाइया के तौर पर शामिल किया गया। याद रहे कि इब्तिदाइया तमीद पेश लफ्स ये वो चीज़ें हैं जो आइन का हिस्सा नहीं होती, बल्कि उसके बारे में, उस किताब के बारे में, उस मसावदे के बारे में, उस आइन के बारे में तारीफ होता है। इस 56 के आइन में ममलकत के सरकारी मजहब की बात नहीं की गई, सदर के का मुसलमान होना लाजमी करार पाया, लेकिन वज़ीर आज़म के लिए ये नहीं बयान किया गया कि वो मुसलमान होना चाहिए या नहीं। कोई भी शख्स वज़ीर आज़म बन सकता था। इसमें दो ऐवान रखे गए और इसमें तहरीरी आइन रखा गया और 234 दफात पर यह मुश्तमिल था और ये आइन ज़्यादा देर नहीं चल सका। यह आइन 58 के मार्शल लॉ, अयूबी मार्शल लॉ की नज़र हो गया, क्योंकि आइन के अंदर आइन को तहफ़ नहीं दिया गया था। 2 साल 8 माह 12 दिन के बाद यह आइन ख़त्म हो गया। अयूब खान ने इक्तदार संभालते ही जस्टिस शहाबुद्दीन की सरबराही में एक आइन कमीशन तश्कील दिया। इस आइन कमीशन जिम्मे ये काम था कि वो इस आइन का जायजा ले, 56 के आइन का जायजा ले कि आखिर वो क्या वजूहात थी जिनकी बिना पर यह आइन नाकाम हुआ और नए आइन की तदवीन और सिफारिशात का काम भी इसी आइन कमीशन को के सुपुर्द कर दिया गया। जस्टिस शाहबुद्दीन ने, आइन कमीशन ने जब अपनी सिफारिशात पेश की तो उस वक्त के सरबराह, हुकूमती सरबराह ने उनको पसे पुष्ट डालकर अपनी तरफ से एक आइन
कौम को दिया। ये पाकिस्तान का दूसरा आइन था और इस आइन में ये किसी दस्तूर साज अदारे का बना हुआ आइन नहीं था, बल्कि फर्द वाहिद की तरफ से अता करदा था। ये आइन 250 दफात पर मुश्तमिल था। इस आइन में भी करारदादे मकासिद को इब्तदाइया के तौर पर शामिल किया गया। याद रहे कि इब्तदाइया आइन का नाफजुल अमल हिस्सा नहीं होता। 62 के आइन में ममलकत के नाम से इस्लामी के लफ्ज को हजफ कर दिया गया और बुनियादी हुकूक भी इस जमहूरी रियासतों की तरह अता नहीं किए गए थे। अवामी एहतजाज की बिना पर इस्लामी के लफ्ज दोबारा शामिल किया गया। इस तरह पाकिस्तान रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान से इस्लामिक रिपब्लिक पाकिस्तान बन गया और लोगों को बुनियादी हुकूक भी दे दिए गए। 62 के आइन भी ज़्यादा अरसा नहीं चला, क्योंकि इसमें आइन के अंदर आइन को तहफ़ या ज़मानत नहीं दी गई थी। 69 में यया खान के मार्शल्ला की नज़र हो गया और यया खान ने इक्तदार संभालते ही 62 के आइन को भी तोड़ दिया। और 1970 में एक सदारती आर्डिनेंस के तहत लीगल फ्रेमवर्क आर्डर जारी किया। लीगल फ्रेमवर्क आर्डर के तहत इंतखाबात हुए और उन इंतखाबात में मशरकी हिस्से से, मशरकी पाकिस्तान से अवामी लीग शेख मुजीबुर रहमान की अक्सरियत ले आई और मगरबी हिस्से से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जेड ए भुट्टो ने नशस्तें हासिल की। लेकिन इक्तदार को मुंतकिल ना किया जा सका और एक नज़रियाती और मतासिब जंग शुरू हो गई। शेख मुजीबुर रहमान ने अपने असबियत की बिना पर नुकात पेश किए जिन्हें साहिब इक्तदार ने कबूल नहीं किया। शेख मुजीबुर रहमान को इक्तदार नहीं मिला। इस तरह से मशरकी हिस्सा एक बड़ा बाजू हमसे कट कर अलाइदा हो गया। मशरकी पाकिस्तान अलाइदा होने की वजह 16 दिसंबर 1971 को सकूत ढहाका के बाद पाकिस्तान सिर्फ मगरबी हिस्से पर बाकी रह गया। तो उस वक्त की अक्सरियती पार्टी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने हुकूमत साजी का काम शुरू किया और आइन की तदवीन की। बिलाआखिर 1973 का आइन बनाया गया। ये आइन एक अवामी आइन था, जमहूरी आइन था, पार्लियामानी तर्ज का आइन था। इस आइन में ममलकत के सरकारी मज़हब की बात की गई कि पाकिस्तान का सरकारी मज़हब इस्लाम होगा और सदर ममलकत के साथ साथ वज़ीर आज़म का भी मुसलमान होना लाजमी करा दे दिया गया। अलबत्ता करारदाद मकासिद को इसी तरह से हस्ब साबिक कलादम दसातीर इब्तदाइया के तौर पर रखा गया। याद रहे कि इब्तदाइया आइन का हिस्सा नाफजुल अमल हिस्सा नहीं होती, जबकि करारदाद मकासिद नज़रिया पाकिस्तान की अकासी करती थी और हमारी कॉन्स्टिट्यूशन को बुनियाद फराहम करती थी और असास पाकिस्तान करारदाद मकासिद ही थी। 1973
1973 के आइन में 5 इस्लामी दफात रखी गई और बिलाखिर 77 के बाद 77 में ये अच्छा इस आइन में एक नई चीज रखी गई कि आइन को संगीन गद्दारी के टाइटल से तहफ्फुज दे दिया गया कि कोई शख्स या इदारा इस आइन को तोड़ने की कोशिश करेगा तो उस शख्स को कम से कम सजाए मौत दी जाएगी। आइन को आइन के अंदर ही तहफ्फुज मिल गया, लिहाजा उस वक्त जब जनरल ज़ियाउल हक ने मार्शल लॉ लगाया तो उस मार्शल लॉ में इस आइन को महत्तल कर दिया गया, तोड़ा नहीं जा सका। आइन मअत्तल होने के बाद आखिर 1985 में बहाली आइन मजरिया 1985 के तहत इस आइन को दोबारा बहाल कर दिया गया। ये आठवीं दरहकीकत ये आइन में आठवीं तरमीम थी, आठवीं तरमीम बहाली ये आइन 1985 के मुताबिक जो है इस आइन में तरमीम कर दी गई। बाज़ाहिर इस तरमीम के तहत सदर और वज़ीरे आज़म के दरमियान जो इख्तियारात थे उनमें तवाज़न पैदा कर दिया गया, लेकिन आइनी माहिरीन तबसरा करते हुए 1973 के आइन की आठवीं तरमीम पर ये कहते हैं कि इस आइन में इस हद तक रद्दोबदल कर दी गई है कि इस आइन की शेप में होलिये में तब्दीली आ गई, बिल्कुल इस तरह से जिस तरह औरत को मर्द के कपड़े पहना दिए जाएं। आठवीं तरमीम के तहत पाकिस्तानी आवाम का एक मुद्दत दराज का मतालबा मुकम्मल हुआ जो हमें इब्तदाई आइन में कर देना चाहिए था, पहले आइन में कर देना चाहिए था, जो कदर ताखीर से बना लेकिन दस्तूरी बहरान की वजह से उसमें उसे ऐसा ना किया जा सका। आठवीं तरमीम के मुताबिक करारदाद मकासिद को आइन का नाफिजल अमल हिस्सा करार दे दिया गया। इस आइन को अब इस्लामी फलाई रियासत करार दे दिया गया, पाकिस्तान एक इस्लामी फलाई रियासत बन गया और एक मुकम्मल इस्लामी निज़ाम के नफाज के लिए इकदाम किए गए। इन इकदाम में हुदूद ऑर्डिनेंस, शरीयत बिल की मंजूरी, शरीयत कोर्ट और ये तमाम ऐसे इकदाम थे जिनके मुताबिक पाकिस्तान एक मुकम्मल इस्लामी फलाई रियासत बन गया। आठवीं तरमीम से पहले 73 के कॉन्स्टिट्यूशन में वज़ीर आज़म को कुल्ली इख्तियारात हासिल थे और इक्तदार का मैवर वज़ीर आज़म के गिर्द घूमता था। वज़ीर आज़म की हैसियत चांद की तरह थी और वज़रा उसके सितारों के तरह चांद के गिर्द घूमते थे और जिस तरह से वो चांद के गिर्द जुर्मट घूमता है इस तरह से होते थे। वज़ीर आज़म की खुशनुदी तक ही वो अपने ओहदों पर बरकरार रह सकते थे और वज़ीर आज़म और उसकी उसके काबीना के ख़िलाफ़ तरमीम के तरीक़ाकार अदम एतमाद के तरीक़ाकार को इंतहाई पेचीदा कर दिया गया था ताकि वो यकसोई से काम कर सकें और कोई जो है उनके ख़िलाफ़ अदम एतमाद की तहरीक पेश ना कर सके। लेकिन आठवीं तरमीम के बाद जब तमाम इख्तियारात सदर ममलकत को मुंतकिल हो गए तो सदर पाकिस्तान को ये इख्तियार हासिल हो गया कि वो
وزیر اعظم کو دوبارہ اعتماد کا ووٹ لینے کے لیے کہے, وہ اسمبلی برخواست کر دیں اور صدر مملکت کے دستخط کے بغیر کوئی بھی مسودہ قانون منظور نہیں سمجھا جاتا تھا. صدر مملکت چاہتے, اگر وہ چاہیں تو دونوں ایوانوں کا جوائنٹ سیشن بلائیں, وہ چاہیں جو بل پیش کیا گیا تو وہ اسی ایوان کو بھیجے جس نے پیش کیا, اور وہ چاہیں اس کو اعتراضات لگائیں, وہ چاہیں اسے یکسر مسترد کر دیں. تو گویا آٹھویں ترمیم کے بعد تمام تر اختیارات صدر مملکت کو منتقل ہو گئے. آٹھویں ترمیم کے بعد بالآخر 17 اگست 1988 کو جنرل ضیاء الحق کے ایک حادثے میں ان کا انتقال ہو گیا. اس کے بعد پاکستان میں پھر سے جو ہے عوامی حکومت, جمہوری حکومت قائم کر دی گئی. پھر بالآخر 18ویں ترمیم کے بعد آئین کے مقاصد پورے کرنے کے لیے تمام صوبوں کو داخلی اختیارات دے دیے گئے, صوبائی خود مختاری دے دی گئی. اس طرح سے پاکستان میں جمہوریت کا ایک دور دوبارہ شروع ہوا. لیکن آئینی بحران, کانسٹیٹیوشنل ریفارم, کانسٹیٹیوشنل ڈیولپمنٹ جو ہمیں اس سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ پاکستان کے اندر ایک طویل تحریک کے بعد, ایک طویل جدوجہد کے بعد, ایک مسلسل اسلامی آئین کے نفاذ کے لیے 1947 کے بعد 49 میں پہلی بار اقدامات ہوئے, لیکن دستوری بحران کی وجہ سے بہت تاخیر سے پہلا آئین بنا, لیکن اس نظریے کی تکمیل نہیں ہو سکی. پھر دوسرا آئین پہلے کو توڑنے کے بعد دوسرا آئین جب بنا تو اس آئین میں بھی جو ہے اس نظریے کی اساس پاکستان کی تکمیل نہ ہو سکی. پھر 1973 کے آئین ایک مدت دراز بعد بنا, لیکن اس میں بھی جو ہے نظریہ پاکستان کی اساس, اس نظریے کی تکمیل نہیں ہو سکی. بالآخر 1985 آٹھویں ترمیم کے بعد طویل مدت کے بعد, یعنی 47 سے لے کر 85 تک اس نظریے کی تکمیل نہیں ہوئی. بالآخر ایک مدت دراز کے بعد 1985 میں آٹھویں ترمیم کے بعد پاکستان مکمل ریاست بن گیا. محاصل کنکلوژن اس آئین کا, ایک تو نظریہ اسلام کی تکمیل, بنیادی حقوق, یعنی اس کے محاصل آئین کا یہ ہوا کہ ہمیں تاریخی ارتقاء, آئینی ارتقاء کے بارے میں پڑھا ہم نے, جس میں یہ بیان کیا گیا کہ نظریہ پاکستان کے مطابق اسلامی قوانین کے نفاذ کے لیے, اسلامی ریاست کے قیام کے لیے, جہاں اسلامی نظام معیشت ہو اس کی جدوجہد کے لیے, اسلامی نظریہ حیات پر, اسلام کے سنہری اصولوں پر زندگیاں گزارنے کے لیے جو دستور سازی کی گئی, اور اس دستور سازی, اس جدوجہد کے بعد جو ہے پاکستان میں ایک اسلام ان نظریے کی تکمیل ہوئی, اور جس میں لوگوں کو اسلامی بنیادی حقوق دے دیے گئے, عدلیہ کو آزاد اور خود مختار رکھ دیا گیا, تمام سماجی و اخلاقی برائیوں کا خاتمہ کر دیا گیا, اور جس کے لیے پاکستانی عوام نے جدوجہد کی. یہ اس طرح سے آج کنسٹیٹیوشنل ہسٹری ڈیولپمنٹ کا حصہ ہمارا مکمل ہوا. اس کے بعد جو ہے ہم جو انڈین ایکٹ 1935 اور آبجیکٹیو ریزولیشن 1949, یعنی جو دستوری ڈیولپمنٹ ہے اس کی چیدہ چیدہ
خصوصیات پڑھیں گے نیکسٹ انشاءاللہ دیکھنا ایوام کنسٹیٹیوشنل ڈیولپمنٹ جو اتقاء ہے اس میں سب سے پہلے انڈین ایکٹ نائنٹی کے بارے میں پڑھیں گے قانون مجالس ہند مجریہ 1935 حکومت برطانیہ نے تقسیم سے پہلے 1909 کی منٹو مارلے اصلاحات آئینی اصلاحات کنسٹیٹیوشنل ریفارمز کی جس میں مسلمانوں کو من حیثیت قوم تسلیم کر دیا گیا اور ان کے مفادات اور ان کے حقوق کے تحفظ کی بات کی گئی اور اس کے بعد دوسری بار 1919 میں پھر کنسٹیٹیوشنل ریفارم آئینی اصلاحات ہوئیں جو ناکام ہو گئی انیس کے اصلاحات کی ناکامی کے بعد حکومت برطانیہ نے 1935 میں انڈین ایکٹ نافذ کیا یہ در حقیقت ایک مرکزی نظام تھا اس ایکٹ کے تحت ایک منظم مرکزی نظام تھا اس مرکزی نظام میں مسلمانوں کو بھی نشستیں دینے کی بات کی گئی ابتدائی طور پر مسلمانوں نے انڈین ایکٹ 1935 کو قبول نہیں کیا پھر انہوں نے بالآخر اسے قبول کر لیا اس ایکٹ میں مرکزی نظام کے ساتھ ساتھ صوبوں کو بھی خود مختاری دے دی گئی تھی داخلی خود مختاری دے دی گئی تھی دفاع کرنسی اور خارجہ مواصلات کے محکمے وفاق کے پاس تھے جبکہ صوبوں کے پاس جو اختیارات دیے گئے ان میں تمام داخلی اختیارات آزادی دی گئی تھی سندھ کو بمبئی سے جن میں چیدہ چیدہ یہ ہیں سندھ کو بمبئی سے علیحدہ کر دیا گیا علیحدہ کر دیا گیا اور سندھ میں مکمل آئینی اصلاحات کر دی گئیں سندھ کو صوبائی درجہ دے دیا گیا اور ہندوستان کے اندر جتنے بھی صوبے تھے ان سب کو داخلی خود مختاری دے دی گئی اور ان صوبوں میں اصلاحات کی گئی آئینی اصلاحات بھی کی گئی اور اس ایکٹ کے ہی مطابق ہندوستان میں مسلمانوں اور ہندوؤں کے لیے نشستیں مقرر کر دی گئی اسی صوبائی خود مختاری کی وجہ سے 1936 میں ہندوستان میں عام انتخابات ہوئے ان انتخابات
के मुताबिक मुसलमानों ने मुस्लिम अक्सरियत वाले हिस्सों से इंतखाबात जीते, लेकिन कांग्रेस ने बिला शिरकत गैर वजारतें और हुकूमत बनाने का फैसला किया। मुसलमानों को हुकूमत साजी से दूर रखा गया और कांग्रेस ने इक्तदार संभालते ही, वजारतें संभालते ही मुस्लिम दुश्मनी रवैया इख्तियार कर लिया। मुसलमानों पर नमाज जुमा की पाबंदी आयद कर दी गई और बंदे मातरम तराना के इस्तकबाल के लिए तलबा को ज़बरदस्ती खड़ा किया जाने लगा। यही नहीं बल्कि जगदियो पटेल का मुकदमा इसकी एक अहम नज़ीर है। जगदियो पटेल एक मुतासिब हिंदू था जिसने मस्जिद पर हमला करके मुसलमानों को ज़ख्मी किया और मुसलमानों ने रद्द अमल के तौर पर उसे दबोच दिया जिससे वो मर गया। उस हिंदू के मरने के बाद हिंदू अदालत ने मुतासिब हिंदुओं ने 46 अफराद नमाजियों को उसके कत्ल में शरीक किया। मुसलमानों ने उनकी रिहाई के लिए हाई कोर्ट में अपील की। हाई कोर्ट के जज ने, अंग्रेज जज ने मुसलमानों की रिहाई का फैसला देते हुए लिखा कि हम देख रहे हैं कि इस कत्ल के मुकदमे में 46 अफराद माखूज हैं, रिक्वायर्ड हैं और गवाह पर गवाह झूठी गवाहियां देने को चले आ रहे हैं, सिखाई हुई गवाहियां देने को चले आ रहे हैं, इनमें 6 मासूम बच्चे भी शामिल हैं। अपने दुश्मन की जान लेने के लिए, उसे फांसी के फंदे पर लटकाने के लिए इससे बढ़कर इखलाकी पस्ती क्या होगी कि मासूम बच्चों से भी झूठी कस्में दिलवाई जाएं। अंग्रेज जज ने तमाम मुसलमानों को रिहा कर दिया। कांग्रेसी वजारतें अपने तहसब और असबियत की वजह से ज़्यादा देर ना चल सकी। बिलाखिर 1939 में 2 साल बाद इन कांग्रेसी वजारतों का खात्मा हो गया। इनके खात्मे के बाद मुसलमानों ने योम निजात बनाया और फिर 1940 में उस नज़रिए के लिए, उस तहरीक के लिए, उस आईने पाकिस्तान इस्लामी तर्ज के लिए मुसलमानों ने इसकी तौसीख कर दी और 3 जून के मंसूबे के मुताबिक जब पाकिस्तान मार्ज वजूद में आया तो 1947 इसी एक्ट को, इंडियन एक्ट 1935 को भारत से मुस्तहार लेकर नाफिज कर दिया गया। इस एक्ट को नाफिज करने के बाद 2 साल बाद पाकिस्तानी आवाम ने इस्लामी आइन का मुतालबा कर दिया
और ये एहतजाज किया कि हमने ममलकत इस्लाम के नाम पर हासिल की थी, लिहाजा इस्लामी आइन दिया जाए। 1949 में करारदाद मकासिद ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन पेश की गई, जो उस वक्त के वज़ीर आज़म ने असेंबली में पेश की, जिसे मंजूर कर दिया गया। इस ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन में अल्लाह की हाकिमियत को तस्लीम किया गया और लोगों के पास जो इख्तियारात हैं वो उन्हें मुकद्दस अमानत के तौर पर बुरुएकार लाएंगे। इस्लामी निज़ाम के नफाज की बात की गई। करारदाद मकासिद दर हकीकत नज़रिया पाकिस्तान की और असास पाकिस्तान की अकासी करती है। करारदाद मकासिद हमारी दस्तूरी तारीख में बुनियाद की हैसियत रखती है। इस करारदाद मकासिद के मदज़ल अहम नुकात हैं। पहली बात, अल्लाह की हाकमियत। इस करारदाद में अल्लाह ताला की हाकमियत को तस्लीम किया गया और यह अहद किया गया कि लोगों के पास जो इख्तियारात होंगे वो उन्हें मुकद्दस अमानत के तौर पर बुरुएकार लाएंगे। दूसरी बात, इस्लामी तालीमात के फ़रोग की बात की गई है। इस्लामी तालीमात को फ़रोग दिया जाएगा। अरबी, बेसिक अरबिक एंड कुरानिक टेक्स्ट की तालीमात दी जाएंगी। नंबर चार, अदलिया को आजाद और खुद मुख्तार पॉइंट है। इसमें बुनियादी हुकूक और छठा है इस्लामी इकदार। सातवां है इस्लामी इकदार का फरोग। और फिर अकलियतों का तहफ्फुज़ और आठवां है समाजी वाह इखलाकी बुराइयों का खात्मा। बुनियादी हुकूक करारदाद मकासद में बयान है कि तमाम शहरियों को मसावी बुनियादी हुकूक दिए जाएंगे। इस्लामी इकदार का फरोग हासिल होगा और तमाम इस्लामी
اصول جو قرارداد مقاصد میں بیان ہیں جو نظریہ پاکستان کے عین مطابق ہیں ان کو فروغ حاصل ہوگا اقلیتوں کو تحفظ دیا جائے گا اور تمام سماجی و اخلاقی برائیوں کا خاتمہ کر دیا جائے گا اس کے بعد اس کی منظوری کے بعد قرارداد مقاصد کی جو نظریہ پاکستان کی اساس ہے نظریہ پاکستان کے عین مطابق ہے اور جس لیے مملکت حاصل کیا گیا کے بعد ایک جو غیر مسلم تھے انہوں نے اس پر رد عمل دیا احتجاج کیا تو اس وقت کے وزیر اعظم نے پھر ایک بنیادی اصولوں کی کمیٹی بنا دی بنیادی اصولوں کی کمیٹی مولوی تمیز الدین کی سربراہی میں بنائی گئی اور وزیر اعظم لیاقت علی خان اس کے نائب مقرر ہوئے کمیٹی نے ۱۹۵۰ میں اپنی رپورٹ دی اس رپورٹ میں اقلیتوں کو کافی مراحات دی گئیں صدر کا مسلمان ہونا بھی لازمی نہیں تھا لہذا اس کے ساتھ اصول کی کمیٹی کی دوبارہ بھیج دیا گیا اصولوں کی دوسری رپورٹ دوبارہ اس پر کام کیا گیا اور دوسری رپورٹ جو ہے 1952 میں جاری کی گئی اس رپورٹ کے تحت صدر مملکت کا مسلمان ہونا لازمی قرار پایا اور اسلامی اصولوں کی اشاعت ان کے نفاذ کے لیے طریقہ کار بیان کیا گیا نہ اس کے بعد ازاں 1953 میں وزیر اعظم بوگرا نے بوگرا فارمولا پیش کیا یہ فارمولا بھی ناکام رہا اس کے بعد چودھری محمد علی نے 1956 میں پہلا آئین دیا جو پارلیمانی طرز کا تھا یہ آئین زیادہ عرصہ نہیں چل سکا بلاخر 58 کے مارشل لا کی نظر ہو گیا دو سال آٹھ ماہ اور پندرہ دن چلائیے اور اس مارشل لا میں ایوب خان نے ایک آئینی کمیشن جسٹس شعب کی سربراہی میں تشکیل دیا آئین کمیشن کے ذمہ یہ کام لگایا گیا کہ وہ دیکھے آخر کیا وجوہات ہیں کہ 56 کا آئین ناکام ہو گیا کمیشن کی رپورٹ پس پشت ڈال کر 1962 میں ایوب خان نے دوسرا آئین دیا جو صدارتی طرز کا تھا یہ آئین بھی 69 میں
दूसरे मार्शल्ला की नजर हो गया। उसके बाद यहिया खान ने लीगल फ्रेम वर्क आर्डर LFO जारी किया। इस LFO के तहत 1970 में इंतखाबात हुए और सियासी कश्मकश असबियत की वजह से पाकिस्तान दो लख्त हो गया और 1971 में स्कूते 16 दिसंबर 1971 में स्कूते ढाका हुआ, मशरकी पाकिस्तान की अलाइदी हुई। उसके बाद पाकिस्तान 1973 में पाकिस्तान का तीसरा आइन बना। ये पार्लिमानी तर्ज का आइन है और ये इस आइन में पहले दोनों दसातीर में आइन को तहफ़्फ़ुज़ नहीं दिया गया था। 73 के आइन में मकम्मल तौर पर इसे एक आर्टिकल 6 के तहत आर्टिकल 6 में लिखा है कि कोई शख्स या इदारा इस आइन को नहीं तोड़ सकता। संगीन जराइम की तारीफ में आया ये, संगीन बदनवानी की तारीफ में आया ये कि जो शख्स या इदारा इस आइन को तोड़ने की कोशिश करेगा तो वो संगीन जराइम का मुर्तकिब होगा जिसकी कम अज़ कम सज़ा सज़ाए मौत होगी। यही वजह है कि आने वाले तीसरे मार्शल्ला में 77 के बाद जो जनरल ज़ियाउल हक ने मार्शल्ला लगाया तो उसे उस मार्शल्ला में इसे इस आइन को तोड़ा नहीं जा सका बल्कि सस्पेंड कर दिया गया, महत्तल कर दिया गया। और उसके बाद 1985 बहाली आइन आठवीं तरमीम के ज़रिए इसको दोबारा बहाल कर दिया गया। आठवीं तरमीम बहाल ये आइन के तहत इसे बहाल कर दिया गया। और इसे बहाल करते ही सदर और वज़ीर आज़म के इख्तियारात में तवाज़ुन पैदा कर दिया गया और तमाम इख्तियारात सदर ममलकत को आठवीं तरमीम के तहत मुंतकिल हो गए। इस आइन में पहले 73 के ओरिजिनल आइन में कुल्ली इख्तियारात वज़ीर आज़म के पास थे लेकिन आठवीं तरमीम के बाद तमाम इख्तियारात सदर ममलकत को मुंतकिल हो गए। आठवीं तरमीम के बाद आइनी माहरीन इस पर तबसरा करते हुए कहते हैं कि आठवीं तरमीम से 73 के आइन में इस हद तक तब्दीली आ गई, इसके शेप में तब्दीली आ गई, इसके होलिये में तब्दीली आ गई कि इस तरह के जिस तरह औरत को मर्द के कपड़े पहना दिए जाएं और अब कोई भी आठवीं तरमीम के बाद कोई भी कानूनी बिल सदर ममलकत की मंजूरी के बाद ही कानूनी हैसियत हासिल करेगा, इसके अलावा वो मंजूर नहीं मुतसवर किया जाएगा ना ही वो मंजूर होगा। और आठवीं तरमीम में ही आइन पाकिस्तान में दोनों अवानों को अवान ज़री अवान बाला को बराबरी का दर्जा दे दिया गया। इसके बाद 77 से 88 तक इस्लामी निज़ाम के नफाज के लिए कोशिशें की गई और इस्लामी निज़ाम जो है वो नाफज करने के लिए इकदाम किए गए जिसमें हदूद शरीयत बिल ऑर्डिनेंस और शरीयत ऑर्डिनेंस और ये तमाम चीज़ें उसमें शरीयत कोर्ट ये तमाम चीज़ें उसमें शामिल कर दी गई। फिर इसके साथ ही साथ इसके बाद 18वीं तरमीम के ज़रिए इस 73 के आइन में जो है वो सूबों को भी मुकम्मल खुद मुख्तारी दे दी गई और इस तरह से सूबे आज़ाद
और ख़ुद मुख्तार हो गए। और इस आइन में, इसके बाद इस आइन 73 के आइन में के मुताबिक पाकिस्तान एक मुकम्मल फलाई इस्लामी रियासत बन गई। मासिल इसमें वो नज़रिया जिसके तहत पाकिस्तान मार्ज वजूद में आया वो एक मुकदम नज़रिया है, क्योंकि तमाम ममालिक का जब इत्तका होता है, जब ममालिक बनते हैं, जब तहरीकें चलती हैं, तो उस नज़रिए को आज़ादी के बाद उस नज़रिए को अवलियत दी जाती है और वही नज़रिया मुकदम होता है। इसलिए पाकिस्तान की नज़रियाती असास करारदाद मकासद में शामिल है और वही आठवीं तरमीम के बाद जो है इस आइन का मकम्मल नाफज़ुल अमल हिस्सा बन गई, जिससे पाकिस्तान एक मकम्मल फलाई रियासत बन गया। और अब पाकिस्तान एक मकम्मल फलाई रियासत है। नज़रिया पाकिस्तान के ऐन मुताबिक है कि इस ऐसी रियासत जिसमें इस्लामी कवानीन हूँ, उसी नज़रिए के मुताबिक कि जहाँ कम अज़ कम हर शख्स का हक के माश महफूज हो जाए और कोई शख्स भूख और अफलास से ना मरे, और ये उसी सूरत में मुमकिन है कि जब मुसलमानों की हुकूमत हो। तो गोया 73 के आइन के मुताबिक आठवीं तरमीम के तहत जब करारदाद मकासद आइन का नाफिज़ुल अमल हिस्सा बनी, तो उस सूरत में जो है ये इसका मुकम्मल पाकिस्तान एक इस्लामी फलाई रियासत बन गया। इसके साथ आगे और इसमें जितनी भी तरमीम हुई, 26 अमेंडमेंट जो फाटा को शामिल कर दिया गया, सीटें बढ़ा दी गई, और फिर उसके बाद जो है इस आइन में जितने भी आर्टिकल बयान किए गए, उन तमाम आर्टिकल्स की जो है वजाहत व सिरात आगे चल के 73 के कॉन्स्टिट्यूशन में हम पढ़ेंगे। थैंक यू वेरी मच।